करते हैं ये इको फ्रेंडली है, इससे यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। वो सर कोई भी डाउट हो गया हम लास्ट में आपके बायो के जितने भी डाउट है लास्ट में लेंगे, अभी मैं बोलूंगा तो सारे परेशान रहेंगे, इतने लोग हैं। ये सारी आपको प्रॉपर्टी जितनी है ग्रीन वायर की मैंने आपको पहले बता दी, FRLF जो वाइट ये ऑरेंज वाला बॉक्स है मैंने आपको पहले बता दिया। लेड फ्री वायर, देखो लेड फ्री वायर को जो मैंने बताया कि इससे लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बॉडी में कुछ किडनीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में एनीमिया हो सकता है, उसके सारे रिस्क लेड फ्री अपने प्रोडक्ट रहते हैं तो वो सारे रिस्क इससे रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद अपना एक नया प्रोडक्ट जो अपन लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, एटीरा FR वायर। ये क्या प्रोडक्ट है, अपने वो जो पहले वाले दो प्रोडक्ट थे वो दोनों क्लास टू कॉपर कंडक्टर उसमें यूज करते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में क्लास टू क्लास फाइव दो टाइप के कॉपर कंडक्टर आते हैं। क्लास फाइव की एक खासियत क्या रहती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप अपने 200 मीटर 300 मीटर के प्रोडक्ट भी जो यूज़ करते रहे होंगे मार्केट में, ठीक है, जो पॉलीकैप के ही आते हैं, तो उसमें क्या होता है वो प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट लगता है तो वहाँ पे एक ही लाइन में से 50-50 100-100 लाइन पाइप में से वायरस ड्रॉ होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने को ज़्यादा चाहिए रहती है। तो क्लास फाइव का ये फ़ायदा रहता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, आप उसको 360 डिग्री तभी घुमा के कहीं से लेके जाओगे, उसको पाइप में से निकालना ही नहीं रहता। तो ये इसका बेसिक डिफरेंशिएशन होता है। आप वायर का भी क्लास टू और क्लास फाइव की छील के देखोगे तो उसमें एक डिफरेंस आपको मिलेगा कि उसके अंदर जो पतले पतले तार रहते हैं, आप बोलोगे क्लास टू वाले में बड़े रहते हैं क्लास फाइव में थोड़े पतले रहते हैं। उसमें ये नहीं है कि कंपनी क्लास फाइव में कॉपर कम डालती है या फिर क्लास टू में ज़्यादा डालती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर क्लास टू में वो वायर एक एमएम में 11-12 रहते हैं तो कंपनी क्या करती है क्लास फाइव में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए उस क्लास फाइव में उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बढ़ा देती है ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। ये उसके पीछे बेसिक फंडा रहता है। आपको कोई मार्केट में बोले सर उसका गेज कम होता है, देखो कॉपर तो उतनी डालनी पड़ेगी ना, करंट कैपेरिंग कैपेसिटी अपने को करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी चाहिए तो उसमें कॉपर की क्वालिटी अपन कम करेंगे तो किसी के भी घर में नुकसान हो सकता है और वो अपने को चाहिए नहीं है। इसमें भी जितने DPM सिंगल डोर डबल डोर वर्टिकल DP जो भी आपको चाहिए रहते हैं। उसके बाद ये पाइपलाइन का एक आता है, ठीक है, जो मार्केट में रहती है कि जिसमें विजिबिलिटी भी अपने को LCD की मिलती है, साथ में उसमें इंडिकेटर मिलता है अपने को अलग से कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके डिफरेंट के बाद कोई कहता है कि यार घर तो एक बार बना रहा हूँ मेरे को थोड़ा सा फैंसी और बनाना है, तो हमारे पास एक डेकोर रेंज भी आती है, ठीक है, ये IP43 में आती है। IP43 क्या होता है, जब भी अपन बॉक्स खोलते हैं उसके अंदर एक कैस्केड लगा होता है जिससे कोई कीड़ा भी उसके अंदर नहीं जाए, ठीक है, तो उस क्वालिटी को IP43 बोलते हैं। 180 डिग्री तक आप इसका गेट खोल सकते हो इधर से उधर तक पूरा। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास प्रोडक्ट रहता है, सबसे पहले जब घर बनाते हैं अपने ऑब्वियसली कॉन्ड्यूट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो कॉन्ड्यूट अपने पास LMS HMS MMS सारी क्वालिटीज में आते हैं। उसके साथ जितनी उसकी एक्सेसरीज रहती है आपका टी एल्बो सारे A to Z वो सब इसके साथ मिलते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये सारी एक्सेसरी जितनी भी रहती है इसके 3-way 4-way जंक्शन बॉक्स डीप जंक्शन बॉक्स वो सारी A to Z अपने पास क्वालिटी पॉलीकैप की मिलती है। और जो PVC अपन इसमें यूज़ करते हैं और अपने वायर में यूज़ करते हैं सेम रहता है। उसके बाद अपन मेटल बॉक्स खुद का बना, कंसल्टेंट है वो लोग आपका काम भी ले लें। फॉर एग्जाम्पल अभी आज के 3-5 साल के आगे का अगर हम सोचें तो स्मार्ट ऑटोमेशन कितने लोगों को पता है? देखो अगर आप गिनती लगर यहाँ पर लगाओगे तो मुश्किल से 5-7 लोगों को पता है, 150 लोगों में से। स्मार्ट ऑटोमेशन अगले 3-5 सालों में इवन एक जो 1 BHK जिसका घर है वो भी बनाना चालू कर देगा, जिसके अंदर स्मार्ट स्विचेस होंगे, स्मार्ट लाइटिंग होगी, स्मार्ट फैन होगा, स्मार्ट कंट्रोलर होंगे, स्मार्ट पर्दे होंगे जो कि मोबाइल ऐप पे चलेंगे। लेकिन इसको इंस्टॉल कौन करेगा? फाइनली तो इलेक्ट्रिशियन ही करेगा, लेकिन कौन कर पाएगा? जिसको आता ही नहीं वो कैसे कर पाएगा? तो आपको सीखना पड़ेगा, वो आप सभी को सीखना पड़ेगा, वो अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में। जो नहीं सीखे रहेंगे वो पीछे हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आगे की टेक्नोलॉजी आने वाली है उसकी ट्रेनिंग आपको देंगे। कम से कम इस ट्रेनिंग का खर्चा पर पर्सन हमारे लिए पड़ेगा लगभग 10,000 फुल डे की जो ट्रेनिंग है।
तो हम उन एक्सपर्ट्स उन इलेक्ट्रिशियंस को चुनेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा जो अच्छा काम करते हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जब ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, हमने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, तो गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, नेशनल स्किल, उनका जो एक डेवलपमेंट एकेडमी है NSDC, उसका एक आपको डेडिकेटेड सर्टिफिकेट देंगे। तो कल को फ्यूचर में हर एक आदमी तरक्की करना चाहता है, करेक्ट? अगर आज कोई नॉर्मल जिसने 4-5 साल से काम सीखा है इलेक्ट्रिशियन का, वो फ्यूचर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे अंडर में 20 लोग काम करें, तो यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे कॉन्ट्रैक्टर, कुछ लोग केवल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिशियन, अकेले इलेक्ट्रिशियन ही होंगे, उनके अंडर लोग नहीं होंगे। तो उनका फ्यूचर एस्पिरेशन होगा, यार मेरे मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, मेरे पास में 10 लोग 15 लोग काम पे होने चाहिए। बट वो कब होगा, जब आप प्रोफेशनल खुद बन जाओगे। अधिकतर लोग हमने देखे हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग 12th पास हैं, कुछ लोग 10th पास हैं। आज इतने लोगों ने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं देखी होगी कभी, कैसे होती है काफी लोगों ने। हम क्या करेंगे, हम अभी हम लोगों ने कुछ सर्वे किया था, मैं कुछ लोगों से इंडिविजुअली जाके इलेक्ट्रिशियन से मिला, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्टर्न रीजन में। मुझे काफी इलेक्ट्रिशियन ने बोला, सर मैं अपने बच्चे को टॉप क्लास स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। आप सब लोग चाहते होंगे कि यार मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छा पढ़ाई कर ले, CA बने, कुछ ना कुछ अच्छा प्रोफेशन बने, लेकिन इलेक्ट्रिशियन ना बने। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और आज की तारीख में जब कुछ इलेक्ट्रिशियन कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छा थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में डालते हैं, तो बच्चा बोलता है, वो जब स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो बोलता है, बेटा इलेक्ट्रिशियन मत लिखना, क्योंकि एक स्टेचर और अपना एक वो उसका भी प्रॉब्लम, ये वहाँ पर दिखाना पड़ता है। क्योंकि आजकल के स्कूल वाले जल्दी से बच्चों को एडमिशन देते हैं, पहले पेरेंट का इंटरव्यू लेते हैं, बाद में बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, बराबर है? तो ये सारी बहुत बारीकी चीज़ें हमको पता चली, और हर जब हमने सोचा कि यार इलेक्ट्रिशियंस हमारे एक बेसिक लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य एज अ कंपनी का उद्देश्य जो होना चाहिए, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, ना केवल पैसे दे। पैसे देने से आपकी कुछ रोजमर्रा की जरूरतें मैं पूरी कर पाऊंगा। आप जब स्कैन करोगे तो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन हमने कैलकुलेट किया है, ऑन एन एवरेज अगर वो पूरा महीना काम कर रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हमारे स्विच गेयर, हमारे वायर, हमारे लाइट या फैन यूज कर रहा है, तो कम से कम ऑन एन एवरेज 5,000 रुपया महीना इसमें से निकाल सकता है, केवल पॉइंट्स पॉइंट्स से। अब 5,000 रुपये में वो अपना मोबाइल का बिल, अपना रोज का तंबाकू सिगरेट का खर्चा अगर कर रहा है कुछ नशा, तो उसका खर्चा, रोज का आने जाने का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, ये सारा ऊपरी काम जो है वो उस केवल ये पॉइंट के जरिए ही निकल पाएंगे। ओके, बट हम चाहते हैं कि केवल पॉइंट ना दे, इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ज़्यादा बड़ा हो। पॉइंट एक बेसिक चीज़ हो गई, बट हमारा उद्देश्य है कि मैं आपको ट्रेनिंग दूँ, आपको और प्रोफेशनल बनाऊँ, ताकि कल को आप बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनो, तो आपका बच्चा भी घर से स्कूल में बोले, मेरे डैडी कॉन्ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रिशियन है। तो हमारा उद्देश्य काफ़ी बड़ा है। इन फ्यूचर हमारा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो कि लगभग हमको लगता है कि 3 से 5 साल लगेंगे उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए, वो उद्देश्य है कि पॉलीकैब एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएगा। आज काफी लोग ओला उबर यूज करते हैं, क्या करता है कस्टमर जाता है ओला पे टाइप करता है। आज की तारीख में दिक्कत इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने की भी प्रॉब्लम है कंज्यूमर के लिए, अगर जो कहाँ पर ढूंढे, वो कहीं पे 2-4 एक दुकानदार को बोलता है। हम फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिसके अंदर जो अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो हमारे अंडर ट्रेनिंग ले चुके हैं, हेलो, जो हमारे अंदर ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनको हम पॉलीकैब ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन बनाएंगे। और पॉलीकैब ऑथोराइज्ड इलेक्ट्रिशियन हम एक ऐप बनाएंगे कंज्यूमर के लिए, जो कि वो ऑनलाइन ही बुक कर। ट्रांसफॉर्मेशन है बिजनेस आपको ज्यादा देने से, ना कि पॉइंट देने से। पॉइंट तो एक बेसिक चीज है। तो ये हमारा फ्यूचर का प्लान है इस प्रोग्राम के जरिए, इसीलिए हमने इसको नाम भी ऐसा सोच के दिया, एक्सपर्ट, कि आपको लोग इलेक्ट्रिशियन ना समझे, केवल आपको एक्सपर्ट समझे। दूसरा, आपसे एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
इनफैक्ट हम ऐसे ऐसी एक कंपनी है जो कि 95% प्रोडक्ट्स हमारे खुद की फैक्ट्री में बनते हैं, बट आप बाकी के मैन्युफैक्चरर को देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग थर्ड पार्टी, वो एक छोटा सा कोई वेंडर होगा उससे बनवाते हैं और मार्केट में अपना थप्पा लगा के बेचते हैं, बट हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है टॉप मोस्ट क्वालिटी का है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी उन स्टैंडर्ड्स को भी मीट करती है जो कि वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा बेहतरीन है इंडिया से। सेफ्टी नॉर्म्स उधर के ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत कड़क सेफ्टी नॉर्म्स है, उसको भी हम लोग कंप्लाई करते हैं। तो हमारी क्वालिटी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया उसको लेना चाहती है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि जब भी आप रेकमेंड करो, देखो एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन और एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की पहचान यही होगी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपने बच्चे को लेके, आप ये तो नहीं बोलोगे ना सबसे सस्ता वाला दवाई देना मेरे को, कोई बोलता है क्या डॉक्टर को? आप क्या बोलते हो? सबसे अच्छा दवाई दे ताकि बच्चा जल्दी अच्छा हो। सिमिलरली कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है आप उसको सबसे अच्छी चीज का रिकमेंडेशन दो। रिकमेंडेशन देना आपका काम है, लेना या नहीं लेना उसका काम है, बट आप एक्सपर्ट तभी कहलाओगे जब अच्छी चीज रिकमेंड करोगे। जैसे पॉलीकैप ग्रीन वायर हो गया, या MCB हो गया, या RCCB हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉम्बो की तरह है, और कॉम्बो की तरह आपको अगर इसको अच्छे से आप रेकमेंड करोगे तो आपका धीरे धीरे कंज्यूमर का ट्रस्ट, और आपको आज की तरह में बिजनेस कैसे मिलता है, अगर मैं एक मकान का मालिक हूँ, मेरे घर पे एक इलेक्ट्रिशियन ने अच्छा काम किया, अच्छा मुझे रिकमेंडेशन दिया, मेरी सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, तो मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, अपने नेबर को बोलूँगा कि यार ये इलेक्ट्रिशियन बढ़िया है इसको काम दे। तो इसी तरह काम मिलता है अधिकतर लोगों को। एक RCCB के ऊपर में 100 रुपये, यानी कि अगर आपने 10 RCCB भी बेच दिया तो 1000 रुपये आपके खाते में। सिमिलरली अगर वायर की बात करने के लिए जाएंगे तो वायर में भी हमने ये देखा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसके स्कैनिंग को यूज नहीं करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी आपको देना चाहती है कृपया आप लोग उसको जरूर लें, वो आपका हक है, वो कंपनी ने आपके लिए दिया है। तो जब भी आप हमारा वायर यूज करते हैं प्लीज उसके ऊपर में जो QR कोड होता है उसको जरूर स्कैन करें। MCV जो भी आप लेंगे, अभी हमने ये जस्ट जनवरी के महीने से ही लॉन्च किया है, तो जो भी नए प्रोडक्ट, जो भी नए पैकिंग के ऊपर में जहां जहां आपको QR कोड मिलेगा जरूर आप उसको यूज करें। ये जो भी चीजें हमने आज आपको बताई हैं, जो भी चीजें नीलेश सर ने आज आपको बताई हैं, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही सरल सा है कि हमको आपके साथ मिलकर जहां आज हम 7वें नंबर पे हैं वर्ल्ड में, वहां हमको कितने नंबर पे पहुंचना है सर, और वो कौन पहुंचाएगा सर? तो आप लोग सब हमारे साथ हैं सर, तो इसी बात पे बोलिए जय हिंद। धन्यवाद। मुझे नीलेश मलानी, मैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हूँ।
और ये पहला प्रोग्राम हमने रखा है हैलीकैब एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम का। पूरे भारत में ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें से पहला हमने मुंबई में रखा है, क्योंकि जो हमारा एनुअल प्रोग्राम है पॉलीकैब एक्सपर्ट्स प्रोग्राम, इसके जो ऑल इंडिया विनर हैं वो मुंबई से हैं और जिन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी जीती है इस प्रोग्राम के तहत। हमारे रीजनल विनर जो वेस्टर्न रीजन के विनर भी हैं वो भी बॉम्बे से हैं कोइंसिडेंटली, और उन्होंने प्रीमियम बाइक जीती है, तो उन्हीं को रिकग्नाइज करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। प्राइज जो दिया आपने उसके लिए आपने क्या योजना बनाई थी उनके लिए? हमारा जो प्रोग्राम है उसके कई हिस्से हैं, जैसे कि वो जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, हमारा जो प्रोग्राम में सबसे पहला चीज़ है कि वो हमारे प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए। दूसरा है वो पॉलीकैब के प्रोडक्ट्स को लगातार यूज़ करें हर महीने दर महीने, वो दूसरा पड़ाव है। तीसरे पड़ाव में हम उनको जो ट्रेनिंग देते हैं या उसमें जो क्विज करते हैं उनमें वो विनर होने चाहिए। तो ऐसे तीन चार पैरामीटर है और हमारी पूरी रेंज का वो इस्तेमाल करते हैं और यू नो सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, ये सारे क्राइटेरिया के तहत वो लोग विनर कहलाते हैं। सो पॉलीकैब ग्रीन वायर जो है वो पॉलीकैब का बेस्ट प्रोडक्ट है आज की तारीख में, जिसके अंदर 5-in-1 ग्रीन शील्ड टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे सेफेस्ट वायर बोलते हैं उसको, पर्यावरण की सुरक्षा करता है क्योंकि उसके जो पीवीसी इंसुलेशन है बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा शॉक प्रूफ है, फायर से बचाता है कस्टमर को। तीसरा जब भी वायर नॉर्मली जब भी आग पकड़ती है तो उसमें जो पीवीसी की क्वालिटी इतनी अच्छी हमने बनाई है जिससे कि वो सफ़ेद धुआं छोड़ती है, जिसके वजह से और नॉन टॉक्सिक होता है। तो नॉन टॉक्सिसिटी की वजह से इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली जब भी फायर होता है तो लगभग 70% जो मौतें होती हैं वो काले धुएँ को इनहेल करने से होती है, पर पॉलीकैब ग्रीन वायर में सफ़ेद धुआं लेता है जिसकी वजह से वो जो हम लोग बड़ा प्रॉब्लम है जब भी ये आग पकड़ता है कोई चीज़ तो उसमें आदमी सेफली घर से बाहर या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से बाहर निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। तो ये काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है और काफ़ी इसके ज़्यादा फायदे हैं। जो ये जो प्रोग्राम है पूरे भारत वर्ष में ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारे 2,00,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन हमारे प्रोग्राम में हैं। मेंबर है आपके, आप सब डिटेल्स उनको जाती है और ये साल में एक बार आप उनको बुलाते हैं। जितने लोगों को आपने अवार्ड दिया है वो इलेक्ट्रिशियन हैं या शॉप? नहीं, ये सारे इलेक्ट्रिशियंस हैं। जो लॉयल्टी पॉइंट्स है जब भी वो हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट के पैकेजिंग के अंदर एक स्कैन कोड होता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं और उसे उसमें पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ उसको बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि वो लोग अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करें और कंपनी उनको कोई ना कोई अलग तरीके से बेनिफिट देती है। प्रक्रिया जैसे मैंने आपको समझाया था कि हमारी पूरी रेंज का इस्तेमाल करें। दूसरा है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ उन्होंने स्कैन किए हैं वो होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। और तीसरा है कि वो जब भी हम लोग कोई मिस्त्री ऑडिट करते हैं जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि नहीं, उसके अंदर वो सफल हुए, तो जब मिस्ट्री ऑडिट होता है या जब हमारे वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्कैन करते हैं और हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इन क्राइटेरिया की वजह से वो विनर थे। सर, ये हिंदुस्तान में कहाँ तक सक्सेस है ये अपना प्रोडक्ट जो आपका है? सॉरी, हिंदुस्तान में कहाँ तक सक्सेस हुआ है प्रोडक्ट आपका? सो पॉलीकैब जो है वो भारत की एक लीडिंग कंपनी है इलेक्ट्रिकल गुड्स में। हम लोग वन ऑफ द मार्केट लीडर्स हैं केबल और वायर्स में और फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडस्ट्री में इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो कि है फैंस, लाइट्स, स्विचेस, स्विचगेयर, पंप्स, स्मार्ट ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक की एंड टू एंड सर्विस है और कंपनी जो है वो उसको फ्यूचर में आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये कितने साल से चल रहा है आपका ये? पहले ये दूसरे नाम से जाना चाहता था बट पिछले 2 सालों से पॉलीकैब एक्सपर्ट्स नाम से इस प्रोग्राम को हम चला रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या है इसका सर, इस प्रोग्राम का?
ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट हमारे जो भी टर्नओवर हमारे पब्लिश रिपोर्ट्स है उसके अंदर हमने देखा है कि लगभग 8 से 10% हम लोग का जो भी सेल है वो एक्सपोर्ट होता है और लगभग 60 से ज़्यादा कंट्रीज में हम इनको सप्लाई करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।